जो कुछ घटनाएं घटी है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, सूरत से शुरू हुई है। तो सूरत के पहले शुरू हो चुका था षड्यंत्र। जिस प्रकार षड्यंत्र किया गया, जब से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई और पूरे देश ने आशीर्वाद दिया राहुल गांधी जी को, और जो चार मुद्दे थे उनके, वो मुद्दे ऐसे थे कि चाहे जिस यात्रा का मार्ग नहीं भी था, रास्ता नहीं था, तब भी उन राज्यों में भी महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत भाईचारा आपस के अंदर सभी जातियों में धर्मों में नॉन वायलेंस, और चौथा मुद्दा था गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है। सरकार ऐसी घबरा गई है, तभी से षड्यंत्र शुरू हो गया। कोई कारण नहीं है कि आप पार्लियामेंट मेंबर को, मैं भी पांच बार रहा हूँ पार्लियामेंट के अंदर, कि आप उनको माइक बंद कर दो, आप उनको माफी मांगो नारे लगा रहा हो विपक्ष की बजाय सत्ता पक्ष, और डिस्टर्ब कर रहा उसको कौन, सत्ता पक्ष, ये भी अनहोनी थी। फिर उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे हाउस के अंदर, एक कायदा होता, नियम होता है कि अगर आपका आरोप लगा है तो वापस जवाब देने का आपको टाइम मिलेगा। उसके लिए राहुल गांधी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर साहब भर गए, वो उन्होंने परवाह नहीं करी क्योंकि वो दबाव में है। सारी संस्था जो दबाव में है देश के अंदर, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का तो तांडव है देश के अंदर, गुजराती सब जगह जहाँ उनको इशारा होता है, जहाँ चुनाव होते पहले ईडी पहुँचती, फिर पहुँचते मोदी जी और अमित शाह जी। तो ये जो चल रहा है, फिर जुडिशरी पे जो दबाव है, चुनाव आयोग पे दबाव है, उसी प्रकार से लोकसभा स्पीकर दबाव रखता है। वो तुम्हारे राजस्थान के ही हैं। हमें दुख हुआ कि राजस्थान का मेंबर पार्लियामेंट, जिनको एक मौका मिला लोकसभा स्पीकर बनने का, स्पीकर बनने के बाद में वो निष्पक्ष होकर व्यवहार करें लोकसभा के अंदर, इसकी बजाय अगर आप बोलने नहीं दिया उनको, और फिर आप देख ही लिया कि जिस प्रकार ये केस चल रहा था चार साल पहले का, उसको आपने हाईकोर्ट रोक लगवाई, और हाईकोर्ट के रोक के बाद में हाईकोर्ट रोक खुलवाई जब आपको शूट किया, और फिर एक महीने के अंदर फैसला हो गया। तो राहुल गांधी ने यह कहा है कि मैं कोई हाउस में रहूं या नहीं रहूं, मैं कोई घबराने वाला नहीं हूं, मैं देश की आवाज बन के अपनी बात कहता रहूंगा। लोकतंत्र में और क्या, तो सब मीडिया वाले हैं, आप भी चौथे स्तंभ के लोग हैं, तो चाहे मीडिया के लोग हो चाहे पॉलिटिशियन हो, आप लोग भी नौकरी या इंडस्ट्री लगा सकते थे, आप क्यों आए मीडिया के अंदर, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम पब्लिक की आवाज़ को पब्लिक तक पहुँचाएँ, सामाजिक सरोकार निभाएं। हम लोग भी सामाजिक सरोकार निभा रहे हैं राजनीति में रह करके, पर आज पत्रकार, लेखक और साहित्यकार जेलों में जा रहे हैं बिना कोई कारण के, देशद्रोह बन जाते हैं मुकदमे। एक पत्रकार केरला का आ रहा था, वहाँ यूपी के अंदर एक केस हो गया था, लड़की को रात को 2:30 बजे बिना उसके परिवार के दाह संस्कार कर दिया, बंद जेल के अंदर, 1.5 साल बाद छुटा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये जो तमाशे हो रहे देश के अंदर, ये मुल्क किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र बचका रहा है, देखिए आप क्या हो रहा है। तो चिंता लगी हम सबको, और हमारी चिंता हमें नहीं, पूरे देश को चिंता होनी चाहिए, देशवासियों को भी, हर नागरिक को चिंता होनी चाहिए कि सही कौन है, गलत कौन है। राहुल जी की यहाँ पुलिस घुस गई दिल्ली की, ऐसी मजाक तो मैंने मेरी जिंदगी में देखी कभी, कि वो यात्रा करें मान लीजिए और अपना अनुभव शेयर करें पब्लिक को, कि भाई मुझे, मैं गया तो वहाँ पे ये हालात थे, महिलाएं मिली, उनके भी दुख थे कि मैंने, हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है या कहीं रेप की घटना हो गई, कुछ भी हो गया। तो एक व्यक्ति अगर 3,500 किलोमीटर चले और वो अगर शेयर कर रहा अपने अनुभव को, तो पब्लिक इंटरव्यू कर रहा है, उसके लिए दिल्ली पुलिस चली गई, अब केस दर्ज कर दिया, अब बताइए वो महिला कौन थी। तो मैं कल, मैंने पूछा एक इंटरव्यू में, मैंने कहा अमित शाह जी को, आपने कहा जब मैं यहाँ पर
गुजरात से बाहर उनको रखा गया था, तब सीबीआई वालों ने उनको कहा आप नाम मोदी जी के ले लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा अमित शाह जी से, क्या दिल्ली पुलिस आपके घर आएगी, आपको नोटिस देगी कि भाई वो ऑफिसर कौन था जिसने आपको कहा, ये तो बहुत बड़ा आरोप हो गया अधिकारी पर, जिसने कहा मोदी जी का नाम लीजिए आपको छोड़ देंगे। तो दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करना चाहिए अमित शाह के खिलाफ में, नोटिस देना चाहिए और जवाब नहीं उनके घर जाकर पूछताछ करनी चाहिए। देश के कानून सबके लिए समान है तभी तो लोकतंत्र रहेगा। अगर ये बातें हम देखें तो आप सोच सकते हो कि जो अहम घमंड चल रहा है मोदी जी का, अमित शाह जी का, वो देश देख रहा है और ये देश का जो आम नागरिक है मतदाता वो अनपढ़ हो सकता है, कम पढ़ा लिखा हो सकता है, पर उसकी जो अक्ल होशियारी है, रॉबस्ट कॉमन सेंस, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दुनिया के मुल्कों के मुकाबले भी हम पीछे नहीं हैं। वो कब पलटा मार दे पता नहीं लगेगा इन लोगों को। ये घमंड नहीं करना चाहिए किसी को कि आप इस प्रकार से घबरा जाओ राहुल गांधी से, क्योंकि पहले करोड़ों रुपये खर्च किए गए सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी इमेज को ध्वस्त करने के लिए, काफ़ी हद तक आप कामयाब हो गए थे। अब जब यात्रा के बाद आपकी पोल खुली तो आप घबरा गए, पता नहीं अब क्या होगा। तो ये तमाम बातें हैं, ये बहुत गंभीर बातें हैं और उससे हम लोग सब चिंतित हैं, मेन बात है। बाकी तो प्रोग्राम चला रहा कांग्रेस राहुल गांधी जी के, इस इंदिरा जी के वक्त में भी इंदिरा जी भी चिकमंगलूर जीत के आई थी, उनके साथ भी ऐसे व्यवहार किया गया, हाउस से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया उनको, पूरे देश उठ खड़ा हुआ, वक्त आने पर जवाब दिया और पूरे देश में भारी बम पुनः प्रधानमंत्री बनी वो। तो ये मेरे ख्याल में मोदी जी उस वक्त तो मैं समझता हूँ राजनीति में नहीं होंगे, पर ये उनको समझना चाहिए कि किस प्रकार से हालात थे उस वक्त। हम लोग तो देखा खुद ने, हम तो जेल गए थे जब उनको जेल भेजा था, तो हम सब जेल गए थे, तो मालूम है कि क्या मतलब किस प्रकार से। अब मैं पूछना चाहूँगा वो चाहते क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, क्योंकि मेरी समझ के परे है कि आर के लोग अरेस्ट कर लिया जो महाराष्ट्र से आ रहे थे, भरूच से आ रहे थे, बड़ौदा से आ रहे थे। आप बताइए अगर कोई गैदरिंग होकर हिंसा करती है तो आपका अधिकार बनता है कि आप पुलिस हस्तक्षेप करें। अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपनी भावनाओं को तो उसके अंदर क्यों तकलीफ होती है? अगर कोई आदमी अपनी भावना व्यक्त करते हैं डेमोक्रेसी में और क्या करेंगे? ये तो आजादी के पहले का जो सत्याग्रह का नाम कहता है, सत्य के लिए आग्रह। आज कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है सब जगह, तो सत्य के लिए आग्रह कर रही है, किससे कर रही है? जो आज सत्ता में उनसे। इससे गांधी जी का जो शब्द था सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, उससे बड़ी ध्वनि क्या निकल सकती है नॉन वायलेंस की, भावना की, हम सत्य, हम हमारे पक्ष में सत्य है, हम मानते हैं हमारे पक्ष में हमारे पास सत्य है, हमारे आपके साथ सत्य नहीं है, हमारे पास सत्य है। उनको हम उनके लिए आग्रह आपसे कर रहे हैं, आप समझो बात को, और उसको लेके आप जो है अरेस्ट कर रहे हो, लोगों को थाने में बैठा रहे हो, गाड़ी सीज कर रहे हो। ये जो तरीका है मैं समझता हूँ कि ये लोग इसको लाइक नहीं करेंगे और ये लोकतंत्र विरोधी तरीके हैं और अभी तक इनको समझ में आ नहीं रही, क्योंकि इनका विश्वास भी डेमोक्रेसी में नहीं है। ये लोग डेमोक्रेसी का मुखौटा पहन के आ गए सत्ता में, परंतु ये फासिस्टी प्रवृत्ति के लोग हैं और इसीलिए वो तरीका है